आज राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में फिर से सुनवाई हुई बीएससीसी बैनाम एनसीटी को लेकर। कल 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक सुनवाई हुई थी, आज 10:30 बजे से लेकर 2:30 से 3:45 बजे तक लगातार सुनवाई हुई। और बीएससीसी पक्षकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी ने पक्ष रखा और अवगत कराया कोर्ट को बीएससीसी साथ न्याय करे। और एडवोकेट विज्ञान साह जी ने, एडवोकेट मनोज भंडारी जी ने, एडवोकेट हनुमान चौधरी जी ने, एडवोकेट निहार जैन जी उन्होंने पूरी तरह से अवगत करवाया कि बीएससीसी को न्याय प्रदान करें, जज महोदय को इस मामले में अवगत करवाए, आर्ग्यूमेंट्स कर दी। और एनसीटी की तरफ से अतिरिक्त महासोलिसिटर जनरल जो उनको अवगत करवाया कोर्ट को, उन्होंने कि बीएड और बीएससीसी डिफरेंट है, जबकि हम इनको इक्विवेलेंट करने के लिए कोर्स बना रहे हैं। जबकि वो उनकी ओर से क्वेश्चन किया गया जस्टिस महोदय से कि ये आप इसको इक्विवेलेंटी आप प्रदर्शित एक तरफ तो कर रहे हो, दोनों डिफरेंट है, एक तरफ कर रहे हो आप दोनों हम इक्विवेलेंट कर देंगे। तो इस मामले को लेकर कोर्ट तय करेगा कि वास्तविकता में ये गाइडलाइन सही है गलत है, वो तो कोर्ट तय करेगा। अब लगातार कल फिर से सुनवाई है, 10:30 बजे से फिर इसी मामले को लेकर सुनवाई है। और कल ये जहां तक अनुमान है कि कोर्ट कल फाइनल कर देगा। 4 लाख परिवार है जो इंतजार कर रहे हैं इस बीएससीसी और बैनाम एनसीटी को लेकर, इस काले कानून को रद्द करवाने के लिए। उनको कल राहत मिलने की संभावना है पूरी तरह से, और हम आशा करते हैं कि पूर्णतः हमें विश्वास भी है राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय पर कि वो जल्द ही हमें न्याय प्रदान करेंगे और हमें जल्द ही 31,000 जो भर्ती है उनमें हम बीएससीसी विद्यार्थियों की जो वैकेंसी है वो उन पर वो जल्दी ज्वाइनिंग लेंगे और उनके घरों में दीपक जलेंगे।